अराउंड वन मंथ बाकी है तो लास्ट वन मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें आपको रिवाइज करना है और आपका जो हाई टॉपिक्स है उस पर ज्यादा फोकस करना है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट सो मेरा जो एडवाइस रहेगा अभी आई फील कि जो भी प्रिपेयर uh, 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 कर रहे हो इफ इट्स यूर फर्स्ट अटेम्प्ट और इवन इफ यूर और थर्ड अटेम्प्ट आप ऑलमोस्ट फर्स्ट रीडिंग खत्म कर चुके होंगे जैसे मैंने आपसे कहा था पिछली बार भी कि जब भी आप कोई भी प्लानिंग टू मीन इफ यू आर गोइंग टू फॉर एनी बैटल बैटल सो इट विल भी ईजी फॉर यू तो ये जो मार्किंग स्कीम है वो दिस इज फॉर एफ एम जी एग्जाम तो आपको ये पता होना जरूरी है क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा तो यू वॉन्ट भी एबल टू फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सोज फर्स्ट यू वी नो दैट एफ एम जी एग्जाम जो है वो पासिंग के लिए है मोर देन वन फिफ्टी मार्क्स लाने हैं फिर हम पास हो जाएंगे एक और एक इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है कि एम्स एग्जाम के लिए अगर आपको क्वालिफाई होना है for AIMS, uh,

अगर मैं आपको एक मेडिसिन की बात बता देता हूँ अगर मेडिसिन आप कितना भी अच्छा प्रिपेयर करोगे इफ यू रीड अ लॉट अबाउट मेडिसिन बिकॉज मेडिसिन इज वास्ट इसमें आपका पोर्शन बहुत ज्यादा होता है तो भी अगर आप बिना पढ़े लेट से आपने मेडिसिन की बुक खोली नहीं है आपने एमबीबीएस में जितना भी पढ़ा है जितना भी किया है आप अगर वो भी उसी नॉलेज के ऊपर जाते हो और अगर आपके प्री क्लिनिकल तो सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो आप वैसे भी मेडिसिन के अराउंड फिफ्टीन क्वेश्चन सही कर सकते हो ठीक है अराउंड फिफ्टीन क्वेश्चन विदाउट रीडिंग और अगर आप मेडिसिन के नोट्स पढ़े आपने आप जो भी कोचिंग अटेंड कर रहे हो आपने उसके नोट्स पढ़े तो एडिशनल आपको फाइव टू एट मार्क्स का बेनिफिट हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन में आप ट्वेंटी कर पाते बिकॉज आर आर लॉट ऑफ वेरी डिफिकल्ट ठीक है सेम अबाउट सर्जरी सेम ग अबाउट सर्जरी सर्जरी में आउट ऑफ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज सर्जरी में हमें इतना एक्सपोजर नहीं होता एज अ फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट और बहुत सारे टॉपिक्स uh, होते जो हमने कभी सुने नहीं होते कभी देखे नहीं होते सर्जरी ऑल्सो अगेन इट्स बिकम अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक तो इसीलिए सर्जरी में भी बहुत कम क्वेश्चन uh, सही होने का चांस होता है ऑल्सो फॉर ऑब्स ऑब्स गायनी जो है ये मैं एक मानता हूँ एक बहुत हाई सब्जेक्ट है क्योंकि ये एज कम्पेयर टू मेडिसिन एंड सर्जरी इट इज शॉर्ट सब्जेक्ट बट इट एज इसका जो लेकिन मार्क uh, का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग इक्वली है स्पेशली गायनेकोलॉजी जो जैसे ऑन्कोलॉजी uh, है स्पेशली uh, उसमें बहुत सारे हाई टॉपिक्स हैं तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमरोलॉजी है डेवलपमेंट है, है. तो उसमें से दीज आर लाइक क्वेश्चन टू गेट और ऑब्स गिंग में चांसेस ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स आर हाई सिमिलरली फॉर कम्युनिटी मेडिसिन ये भी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें लॉट ऑफ पीपल रीड अबाउट विवेक जैन की एक बुक आती है और अपार्ट फ्रॉम देर आर सम नोट्स तो इसमें भी है कि जो रिसेंट डेटा है वो पूछा जाता है प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं तो ये भी हाई है

स्ट्रिक्स मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे लगा था कि हर क्वेश्चन uh, like so uh, इसीलिए जो लास्ट मंथ में आपको ज्यादा फोकस करना है ये नाइन सब्जेक्ट पे करना है आप इनको ज्यादा से ज्यादा टाइम दो मेरा जो टू हंड्रेड एंड ट्वेल्व स्कोर आया था एफ एम जी में फर्स्ट uh, so, ब्रेक हुआ था वेरी uh, uh, तो स्ट्रॉन्ग uh, जो नाइन सब्जेक्ट है वो बहुत सी स्ट्रॉन्ग थे छह है फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के वो तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और आप अगर अच्छे से पढ़ोगे ना एनाटोमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पैथो माइक्रो फार्मा आपको जैसे सत्रह में से एनाटोमी में आप सत्रह भी ला सकते हो सही सत्रह में से पंद्रह ला सकते हो सेम अबाउट गोस फॉर फिजियो एंड बाइक्यू सिमिलरली फॉर पैथ माइक्रो आप तेरह में से दस बारह सही कर सकते हो बट दैट इज नॉट द केस फॉर मेडिसिन एंड सर्जरी इसीलिए डो नॉट वेस्ट टाइम ऑन बिग सब्जेक्ट इन योर लास्ट मंथ स्पेंड मोर एंड मोर टाइम एंड ऑन दिस सब्जेक्ट एंड रिवाइज द मोर ऑफन ठीक है तो ये लार्ज और शॉर्ट सब्जेक्ट जो है लार्ज सब्जेक्ट के लिए टाइम ज्यादा है लेकिन मार्क्स उतने नहीं है और स्मॉल सब्जेक्ट के लिए मार्क्स बहुत कम है

न रीड यूर नोट्स एंड सिमिलरली फॉर द कम्युनिटी मेडिसिन कम्युनिटी मेडिसिन में ट्राई टू मग अप्राम्स जो भी पूछे जाते हैं उसको मग अप करने की कोशिश करो लास्ट वन मंथ में ठीक है देन अबाउट शॉर्ट सब्जेक्ट जो हमारे शॉर्ट सब्जेक्ट है जैसे साइकेट्री नर्मा रेडियो तो साइकेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पाँच में से मुश्किल होता है तो अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है दिस इज वन सब्जेक्ट एट यू कैन स्किप यूजअली आई डो नॉट सेक्ट बट दिस इज समथिंग यू कैन जस्ट गो थ्रू द नोट्स क्विकली क्योंकि इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है डर्माटोलॉजी अगेन वेरी इजी एंड अगेन हाई हिल सब्जेक्ट इसके पास आप नोट्स पढ़ लो इसके एमसीप्यूज लगाने की जरूरत नहीं है ठीक है सिमिलरली फॉर रेडियोलॉजी अगर आप रेडियोलॉजी पढ़ते हो अब इसमें एक दिया हुआ है जो डिस्ट्रीब्यूशन में है रेडियो डायग्नोसिस पास दिए हैं रेडियोथेरेपी के लिए पास दिए तो अगेन इट्स बिकम हाई टोटल टेन मार्क्स हो जाते तो एक्सरे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है जस्ट रीड अबाउट

आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जैसे डेवलपमेंट uh, है ग्रोथ है अगेन इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे कॉन्जनेटल हार्ट डिसमोलॉजी में अबाउट लैरिंग्स सॉरी एंटी मसल ऑफ दगेन अवेरी हाइल्ड टॉपिक तो ये चीजें आपको देखनी है और बस टॉपिक्स को ही आप देखो डो नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट एंड जस्ट रीड नोट डो नॉट गो फॉर एनी रिव्यू बुक फॉर दिस ऑर्थोपेडिक्स इज अगेन इट्स वेरी ह्यूज सब्जेक्ट और इसमें से बस पांच ही क्वेश्चन आपको ऑर्थोपेडिक्स पढ़ने के लिए और पांच मार्क के लिए और पीरियड और ई एन टी पंद्रह मार्क के लिए तो ऑर्थोपेडिक्स में आप बस जो नेम्ड साइंस होते हैं जो भी नेम्ड फ्रैक्चर्स है उनपे ज्यादा ध्यान दो ठीक है डो नॉट गोइंग टू एवरीथिंग डो नॉट रीड लाइन टू लाइन अबाउट ऑर्थोपेडिक्स जो भी मग अप करने वाला है जो भी चार्ट है ना उसमें ज्यादा ध्यान दो क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स में वही ज्यादा पूछा जाता है नेम्ड फ्रैक्चर्स एंड नेम्ड जो भी डिसीजेस होती है uh, जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस होती है ऑस्टियोकॉन्ट्रोसिस होते हैं बस वही पूछे जाते हैं तो डू नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन एनेस्थीजिया इनफ ठीक है तो जो आपका आपके पास अराउंड थर्टी थर्टी फाइव डेज बचे हैं लास्ट तो आप इसमें एक पैरल शेड्यूल बना दो इसमें सबसे पहले जो हाई हिल्ड सब्जेक्ट है उसको रखो एक साइड में कि उसको आपको डेली पढ़ना है ज्यादा टाइम उसमें देना है और इसमें जो आप एम सीक्यूज सॉल्व करोगे तो आप जो एम सी क्यूज पढ़ोगे उसमें इन्हीं सब्जेक्ट को देना है जो high yield है, जो nine है मैंने बताया उसके आप ये पढ़ो जैसे medicine, PSM, and surgery. इसको इनके साथ कपल करो एंड जब भी आपको बोर होगा बीच में थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो आप शॉर्ट सब्जेक्ट पे ध्यान दो तो रिवीजन करते वक्त बस आपको नोट्स पढ़ने हैं डू नॉट रीड एनीथिंग न्यू अगर कोई भी आपको फ्रेंड बोलता है ये बुक बहुत अच्छी है या इसमें से बहुत अच्छा लास्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आए गए नो यू विल फर्गेट एवरी थिंग वॉट यू हैव रेड ट्रस्ट मी आपने बहुत अच्छा पढ़ाई की है यू आर ऑलमोस्ट देयर यू विल डू वेरी गुड इन एग्जाम सो डो नॉट चेंज यूअर मटेरियल डो नॉट रीड एनीथिंग न्यू और लास्ट के दस दिन है ना रिजर्व देम फॉर मगिंग अप इसमें क्या करना है ना जो भी सारे सब्जेक्ट के जो हाइड होते हैं एनाटोमी नर्व होते हैं बायोकेमिस्ट्री के एंजाइम्स होते हैं माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी के लिए कोई अगर अगर मीडियम्स होते तो बस इसके लिए रखो फॉरेंसिक मेडिसिन अगेन इज अ वेरी गुड टॉपिक इसमें भी आप बस नोट्स को high, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है इसमें आप नोट्स पढ़ो अच्छे से ठीक है नोट्स पढ़ो और एक टॉक्सिकोलॉजी आता है उसमें के लिए भी नोट्स ही पढ़ना है इसलिए कोई रिव्यू बुक के लिए नहीं जाना है उसमें भी बहुत सारे साइंस आते हैं अगेन जैसे लाइटनिंग ट्री साइन होता है क्रोकोडाइल साइन होता है तो ये सारे साइंस ही पूछे जाते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन में ये जो मगअप करने वाली चीज है ना इसके लिए आप लास्ट टेन डेज डेडिकेट करो तो गाइज अगेन एज आई ऑन ऑन हाई सब्जेक्ट सब्जेक्ट नॉट वेस्ट टाइम मेडिसिन सर्जरी एंड लाइक गिव मोर एंड मोर टाइम ऑन हाई हाईल्ट अगेन विद मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको ये दिखा भी दिया है कि दिस इज हाउ योर यार्क्स क्वेश्चन टू बी बीम स्ट्रिक्ट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट फॉलोड इट इज डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट क्वेश्चन इन एग्जाम बट अगेन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फर्स्ट एंड सेकेंडर सब्जेक्ट So, guys, if you still have any comments, let me know in the comment box. I'll try to answer them. And I wish you all the best. Stay focused. Do not waste time. Every single minute is important for your last uh, month preparation. So, guys, wish you all the best.